नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड टीम को एक बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नहीं खेलेंगे। उनका एक मेडिकल अपॉइंटमेंट है और इसी वजह से वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाना था, लेकिन वो बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने 65 रनों की जीत हासिल की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सूर्य कुमार यादव के शानदार 111 रन की पारी की मदद से 20 ओवर में 191 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में केवल 126 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से दीपक हुडा ने 4 विकेट लिए, वहीं कीवी टीम की तरफ से केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 61 रन की पारी खेली। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को नेपियर में खेला जाना है। इस मैच को अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज को ड्रॉ करने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी, लेकिन उससे पहले अब उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी इस मैच से बाहर हो गए हैं। केन विलियमसन किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट की वजह से तीसरे टी20 मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज टीम साउदी न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी संभालेंगे। वहीं बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज मार्क चैपमैन की स्क्वाड में वापसी हुई है, उन्हें तीसरे टी20 मैच में मौका भी मिल सकता है। विलियमसन का ना होना न्यूजीलैंड टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे टी20 में वह कीवी टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। अब केन विलियमसन सीधा वनडे सीरीज के लिए पहले मुकाबले में टीम के साथ जुड़ेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।